हैं अखलाक भाई जिन्होंने बलरामपुर और उसके आगे का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अखलाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ पर देख सकते हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित जो काम है वो हो रहे हैं। मास्ट को लगा दिया गया है लेकिन अभी तक 90 डिग्री पर सेट नहीं है। यहाँ पर भी गौर कीजिएगा, बलरामपुर रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड, यहाँ पर मतलब भर की भीड़ है बलरामपुर रेलवे स्टेशन पर। तो बलरामपुर रेलवे स्टेशन से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट हम आप लोगों को दे रहे हैं अखलाक भाई की मदद से। टीन भी काटी जा चुकी हैं मास्ट को लगाने के लिए, क्योंकि आर पार होना है नीचे से। दूसरी दिशा में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए गोरखपुर आनंद विहार हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन आ गई है। तो दोनों ही ट्रेन एक साथ आई है और चल भी रही हैं, तो अभी रुकेंगी। दोनों ही ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव है। अभी हाल ही में मैंने तुलसीपुर रेलवे स्टेशन से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दिया है, दिखाया है कितना काम हो गया है, ये भी बताया है कितना काम बचा है, कब तक पूरा होने की उम्मीद है। तो बलरामपुर रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं तो जो कार्य की स्थिति है वो काफ़ी धीमी है यकीनन। और NER में अगर आप लोग बात करें तो सारे ही काम बहुत ही धीमी रफ्तार से होते हैं। तो बाकी कई हिस्सों में आप लोग देख लीजिए, डबल लाइन ट्रिपल लाइन का काम किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि NER में केवल यही एक ऐसा सेक्शन बचा हुआ है जहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना काफ़ी बाकी है, ख़ास तौर से लखनऊ जंक्शन मंडल में। अब देखिए बलरामपुर रेलवे स्टेशन के आगे का व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। मास्ट और ब्रैकेट्स भी लगा लिए गए हैं, 90 डिग्री भी सेट है लेकिन अभी वायरिंग का काम यहाँ पर नहीं शुरू हुआ है। रही बात रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की बहराइच से मैलानी के बीच में, तो वो सेक्शन आने वाले समय में कब ब्रॉडगेज होगा अभी कहना मुश्किल होगा। इसके अलावा बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड का भी ब्रॉडगेज कन्वर्जन होना है, तो कब मेगा ब्लॉक लिया जाएगा इसके बारे में भी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। तो ये कुछ सेक्शन है NER के जहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा हुआ है, बाकी सारा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इज्जत नगर मंडल में भी हमने आप लोगों को बताया था, वाराणसी मंडल में भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट है। डबल लाइन का जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन सिंगल लाइन से संबंधित जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो इज्जत नगर मंडल और वहीं वाराणसी मंडल में लगभग कंप्लीट है। केवल इज्जत नगर मंडल में आप मुरादाबाद काशीपुर रामनगर सेक्शन ऐसा है जहां पर वायरिंग का काम यानी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी स्पीड ट्रायल नहीं किया गया है जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मास्ट वगैरह यहाँ पर कुछ 90 डिग्री पर सेट हैं, कुछ नहीं भी सेट हैं, उनको भी आने वाले समय में बहुत जल्द सेट कर लिया जाएगा। काम में रफ्तार कब बढ़ेगी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, त्यौहार भी चल रहा था, लेकिन काम की जो रफ्तार है वो यकीनन काफ़ी धीमी है और निराशजनक है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये जो वित्तीय वर्ष है, कैलेंडर वर्ष में तो नहीं लेकिन वित्तीय वर्ष में 85 किलोमीटर का जो काम बचा है गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर पचपेड़वा से लेकर सुभागपुर तक, वो पूरा होने की उम्मीद है।